जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल डेली यात्रा ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी के भक्तों को प्रेम भरी जय माता दी। भक्त मित्रों और मेरे चाहने वालों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, माओ, सबको मेरी तरफ से भी आपको वंदन व अभिनंदन के साथ कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूँ सोमराज शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से। तो साथियों, ये है आज का कुछ इस प्रकार का नज़ारा सामने त्रिकुटा पर्वत का। अगर मैं बात करूं मौसम की, तो मौसम का मिजाज बेहद सुहाना है। खुली धूप जो है सुबह से ही शुरू है और आप सब जानते हैं जब मौसम साफ होता है तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। सुबह से हेलीकॉप्टर की सेवा चल रही है, माता रानी के दरबार भक्त जा रहे हैं। अधिकांश भक्त आप सब जानते हैं पैदल यात्रा ही करना चाहते हैं, तो बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। सामने नज़ारा आप देख सकते हो, ये है अर्धकुंवारी मंदिर के साथ साथ चरणपाद का मंदिर और ठीक सामने अर्धकुंवारी और ये समूचा त्रिकुटा पर्वत, जिसका नज़ारा आप लोग अपने घर से, अपने शहर से, अपने मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं। आग्रह है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि जब आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, एक क्रिएटर के लिए यही मोटिवेशन की चीज़ें होती हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं बेहद सराहना टिप्पणियां करते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अधिकांश दोस्तों से कई बार व्यक्तिगत मुलाकात भी मेरी हो जाती है, तो वो मुलाकात तो एक बहुत विशेष मुलाकातें बढ़ जाती हैं। ऐसे में सभी के साथ तो मिलना संभव नहीं है मेरा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जितने अपने चाहने वालों के साथ मिल पाऊं। और इस प्रकार से साथियों, आप सब से आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे इस डिजिटली परिवार को आगे से आगे ले जाएं, और ख़ासकर जो लोग अभी तक YouTube पर नहीं जुड़े हुए हैं उन सब से आग्रह कि YouTube चैनल डेली यात्रा ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितनी भी यात्राएँ रहती हैं, अपडेट रहता है, वो आप लोगों को ताज़ा जानकारियाँ भी मिलेंगी, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। आगामी दिनों में कोशिश करूंगा कि अलग अलग जगहों पर जाने के भी। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं चलते चलते यात्रा से जुड़ी जानकारियों की। तो फिलहाल माता वैष्णो देवी की यात्रा की अगर बात करें, यात्रा की संख्या की बात करें, सबसे बड़ी बात तो बीते कल जो है साथियों, माता वैष्णो देवी के दरबार में 17,000 के करीब करीब श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी की पिंडियों के दर्शन किए हैं। मैं एक बार फिर ये जानकारी आप लोगों को साझा कर दूँ कि लगभग बीते कल जो है 17,000 श्रद्धालुओं ने परिवार संग दर्शन किए हैं, और ये जानकारी प्राप्त हुई है जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग से। इसके विपरीत अगर बात करें मौसम की, तो मौसम का मिजाज भी बेहद सुहाना है और यात्रा लगातार निरंतर चल रही है। आगामी दिनों में अगर आप आ रहे हैं, कोई जानकारी, कोई सवाल आपके मन में है, तो आप लोग सीधे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डेली यात्रा व्लॉग पर भी जुड़ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शामिल हो सकते हैं, जिसका लिंक्स मैं YouTube के चैनल डेली यात्रा ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल इन्हीं कुछ बातों के साथ दीजिए आज के लिए अनुमति। जय माता दी। तेरी पुकार दे दे दर्शन मुझे माते, करूं बिनती बारंबार। जय माता दी, जय माता शिरावादा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। कैसी देर लगाई